दाभी आईपीटीवी सच आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भारत वर्ल्ड कप जीते तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करके पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। अब शनिवार को भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद श्रीलंका के खिलाफ शनिवार को होने वाले मैच की कोई मायने नहीं है तो आप गलत हैं, क्योंकि यह मैच टीम के सेमीफाइनल नहीं बल्कि फाइनल मुकाबले की राह आसान करेगा। दोस्तों भारत के अभी 8 मैचों में 13 अंक हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के इतने ही मैचों में 14 अंक हैं, और इनमें से जो भी टीम नंबर 1 रहेगी उसे कमजोर न्यूजीलैंड से भिड़ना होगा, जो लगातार अपने 3 मैच हार के सेमीफाइनल में पहुंची है। अगर भारत शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ अपने आखिरी लीग मुकाबले में जीत हासिल करता है तो उसके 15 अंकों के साथ नंबर 1 के तौर पर सेमीफाइनल में पहुंचने का एक मौका होगा। हालांकि इसके लिए शनिवार को दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाती है तो अंक तालिका में नंबर 1 रहने पर भारत की टक्कर न्यूजीलैंड से होगी, और अगर ऑस्ट्रेलिया ने अपने आखिरी लीग मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया तो यह टीम 16 अंकों के साथ सीधे नंबर 1 हो जाएगी। ऐसे स्थिति में भारत अपना आखिरी मुकाबला जीतने के बावजूद दूसरे नंबर पर रहेगा और उसे बर्मिंघम में 11 जुलाई को दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ना होगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया का टक्कर न्यूजीलैंड से होगा, इसलिए भारत इस मुकाबले को भी हल्के में नहीं लेना चाहेगी। दोस्तों दुनिया की नंबर 1 टीम इंडिया के लिए श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले सेमीफाइनल की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही उसे इस मैच के जरिए अपनी कमजोरियों को भी दूर करना होगा। भारत का मध्यक्रम अभी भी चिंता का विषय है, और विराट कोहली एक बार फिर श्रीलंका के खिलाफ यह चेक कर सकते हैं कि सेमीफाइनल में उन्हें किस टीम के साथ उतरना है। भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ पिछले मैच में स्पिनर कुलदीप यादव और मध्यक्रम के बल्लेबाज केदार जाधव की जगह दिनेश कार्तिक और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को शामिल किया था। शुरुआती मैचों में खेलकर चोट के कारण बाहर होने वाले भुवी ने तो अच्छी वापसी की, जबकि दिनेश कार्तिक कुछ खास नहीं कर सके। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि विजय शंकर की जगह शामिल हुए मयंक अग्रवाल को ओपनर के तौर पर कल के मैच में मौका दिया जा सकता है, और उनके भी प्रदर्शन को टीम मैनेजमेंट देखना चाहेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, कल के मैच में भारतीय टीम को बदलाव करना चाहिए या फिर उन्हीं खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए जो सेमीफाइनल में खेलेंगे? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।